हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की व्लॉग हमारे फील्ड में यानी ओच गैस फील्ड में। तो हम वापस आए फील्ड में, अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। तो आज हमने राउंड देना है यहाँ पे, जो कि हमारे खजूर के बाग पके हुए हैं उन पे भी, और उसके बाद हमने जाना है बाहर वाले कैंटीन में। तो मतलब कि आज की व्लॉग की एक्टिविटी जो शाम के टाइम है, उसकी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले ही खजूरों को रगड़ा देते हैं, अगर पके हुए हैं तो। ज़्यादातर तो इनको यहाँ पर छोड़ता कोई नहीं है, पक जाते हैं तो बोरियों पे पैक करके ले जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि हमारे नसीब में कुछ है पका हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो इसे आगे जाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे विज़िट करते हैं खजूर के दरख्त। तो ज़रा अपने जो है ना फील्ड का व्यू आप लोगों को दिखाऊं। तो ये सामने फील्ड का व्यू है हमारा, जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये पूरा कॉलोनी है जो इस टाइम सुनसान आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। कुछ लोग इस तरह के खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पर बेदुरा। ये हमारा इसरार भाई जो कि यहाँ पे फ़ोन कर रहा है, अनकरीब रिटायर होने वाला है। सामने मैस है और ये दरख्त है, यहाँ पे कुछ बेरी वगैरह है इस तरह की जो है ना। ये रोड है सामने, यहाँ से हमारे स्टाफ हाउस वगैरह वगैरह है। तो ये पूरा मैदान, ये बड़े रकबे पर हमारा जो है ना कॉलोनी का यहाँ पे क्या है। तो अभी हम आकर अपने खजूर के दरख्तों पर पहुँच गए। चले मास्टर, पहले आप अंदर जाए। अंदर ना आएगा चुनाव, तो जो पका हुआ है ना उसके अंदर मिट्टी भी है यार। तो ज़रा आराम से जाओ, यहाँ पे मिट्टी पे जो है ना पाँव लगे। उर्दू में बात करो, मैंने कितना आपको समझा है। सॉरी यार, आपसे तो हमारा सेवा भाई अच्छा है। पिछले व्लॉग में सेवा हमारे साथ था, यकीन करो गाइस, सेवा ने ए टू जेड हमारे व्लॉग में उर्दू में बात की है। ये देखो, ये हमारे खजूर है, खाकर देखो, चेक करो कैसा लग रहा है। इधर करो मुँह, मीठा है, सही बता। मैं भी एक निकालू, कौन सा निकालूं? जो आखिरी दुब्बा। उर्दू में बात करो, क्या है आप लोगों यार, आप लोग तो जहलों से बढ़कर हो कसम से। चलो अंदर चलते हैं, ये यार लग गए ना तो फिर यकीन करो ये बड़े जहरीले होते हैं। हाँ मस्त है, मस्त, यकीन करो। एक जाना मुझे मिला था पका हुआ, उनके ऊपर बुलबुल भी हैं बैठे हुए, और देखो ना उठ कर जा रहे हैं। अक्सर बुलबुल पके हुए खजूर पे आते हैं, नैन में पानी दिया जाता है। क्यों बाहर क्यों नहीं पिया फिर? ये ना पियो, ये लाइन वाला पानी गंदा है, इसमें साफ नहीं है। आ जाओ चलिए, इनको ये लाइन से पानी दिया जाता है, सामने वहाँ पे लाइन लगा हुआ है। आ जाओ मसद, कोई अच्छा वाला मीठा वाला देखो ना। ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले मीठे नहीं होते हैं। ये देखो ना, ये बिल्कुल इनके दाने छोटे हैं, ये अभी पके हुए भी नहीं है और मीठे भी नहीं है। वो भी छोटा है, ये भी छोटा है, आगे बहुत सारे हैं। चलो आगे देखते हैं कि आगे कहीं हमें जो है ना मिल जाए कोई पका हुआ। गाइस, तो खजूर को रगड़ा देने के बाद हमें अच्छा खासा प्यास लगा था। तो अभी कॉलोनी के गेट से जो हम पीछे देख रहे हैं आप लोग, क्रॉस करके यहाँ से पानी पी कर अभी आगे जा रहे हैं। मासा को ऐसा प्यास लगा था कि मासा जो है ना जलने के काबिल भी नहीं था, इतना खजूर इसने खाया था। खजूर काफ़ी पके हुए थे और बेहतरीन थे। तो अभी हम कॉलोनी से बाहर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कॉलोनी का गेट है और ये पूरा मैदानी है। यहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, यहाँ पे आबादी नहीं है। आबादी इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई पानी वगैरह का सिस्टम है नहीं, कोई नहर वगैरह का। जो पट फीटर का पानी है वो नीचे है यहाँ से, काफ़ी मतलब के 10-15 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। तो यहाँ पे फील्ड है बेसिकली हमारा, तो यहाँ पे रहायश है हमारी, और जितने भी एम्प्लॉज़ हैं वो यहाँ पे रहते हैं फील्ड में, फिर कॉलोनी के अंदर। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो प्लांट है, प्लांट में जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे आकर इनकी रहायश है। क्योंकि आउटबैक कर नहीं सकते, यहाँ पे रहते हैं, नॉन लोकल है, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है। तो ऐसा ही सिस्टम, एक निज़ाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बागात हैं उनमें से एक खजूर है जो इस टाइम पके हुए हैं, जो हमने आप लोगों को दिखाए थे, थोड़ा बहुत खाए हैं हमने। तो अब उसके बाद जो बागात और भी हैं वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आने वाले व्लॉग्स में हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब हम जो पैदल जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बाहर, एक कैंटीन है, कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जाकर हमने कुछ सामान लेने हैं सालन बनाने के लिए, और देखते हैं कि हमें सब्ज़ी में क्या मिलता है, और बाहर की कैंटीन, बाहर वाली कैंटीन जो है ना वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। पैदल हम जा रहे हैं, हमें काफ़ी जो है ना मासात को भी पसीना आए हुए हैं और मुझे भी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। शाम का टाइम है लेकिन फिर भी धूप काफ़ी तेज़ है। तो पैदल जा रहे हैं, अल्लाह करे हमारे पीछे से कोई सवारी आए, गाड़ी आए, जिसको हम हाथ देंगे अगर हमें किसी ने उठा लिया
तो हम उस पर जाएंगे कैंटीन तक, क्योंकि कैंटीन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अगर हम वापस आए पैदल, जाएं पैदल, तो हमें ऐसे समझे कि रात का टाइम हो जाएगा। फिर रात को हमें कैसे फिर भी लोग बनाने के काबिल नहीं होगा, फिर भी लोग बनाने के काबिल ऐसे नहीं होगा कि फिर हमें आना है, फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फिर शाम रात को ड्यूटी पर भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे मसले आ रहे हैं। तो सामने हूंदा आ रहा है, तो हूंदा को रोक कर बोलते हैं कि हमारी जो पानी की बोतल है वो हमारी कहाँ रखे, मैस में रखे। हूंदा से उर्दू में बात करना है, व्लॉग में हूंदा को डालना है, ठीक है। सामने हूंदा की गाड़ी आ रही है, सामने हूंदा की गाड़ी, रुको चेकअप कराओ अपने। क्या क्या सामान लेकर जा रहे हो? क्या हुआ? सुनो, हमारे पानी की बोतल आपके साथ है ना, वो उधर मैस में रखो। कल आपने नहीं उठाया, अभी किधर रखा? कल हमसे गलती हो गई, हम तौबा करते हैं। अच्छा सुनो, मैस में रखो, वर्कर मैस में रखो, फिर हम उठा देंगे वहां से, ठीक है। तो गाइस ये था हूंदा जो कि कैमरा देख कर डर रहा था, पता नहीं उसने कहा क्या है आप लोगों के साथ, हटा रहा था कैमरे को एक साइड पे। तो उसके साथ हमारे पानी का बोतल है, वो नेस्ले का पानी लाता है ना वहाँ से बाजार से, तो अभी वो रखेगा मैस में, फिर हम शाम को जाकर उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी कैंटीन में, यहाँ से अल्लाह करे हमें कोई गाड़ी मिले। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि हमें कोई गाड़ी मिले, हमें उठाए वहाँ तक पहुँचाए हमें, क्योंकि पैदल तो हम जा रहे हैं, हमें पैदल वहाँ तक मार देगा। चलिए, एयरपोर्ट है, जहाज पर चढ़ते हैं। एयरपोर्ट वहाँ पे है, सामने एयरपोर्ट है, लेकिन इस टाइम कोई जहाज नहीं आता। एयर स्ट्रिप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई जहाज अभी इस टाइम आता नहीं। आता तो जहाज को कह देते हमें कैंटीन तक उतार देता, ऊपर से हम ऊपर से गिर जाते नीचे। तो चलिए चलते हैं कैंटीन, पैदल अपना सफ़र पूरा करते हैं, अल्लाह करे वहाँ तक हम पहुँचते पहुँचते हमारी दम ना निकल जाए, बस बाकी खैर है। गाइस फाइनली हमारे लिए गाड़ी आ गया, आ जाओ बैठो बैठो बैठो, पहले तुम बैठो बैठो। क्या है तुम्हें, डर क्यों रहे हो? किधर जा रहे हो आप लोग? नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, किधर जा रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं प्लॉट। प्लॉट, ठीक है, हमें उतार दो वहाँ पे सामने कैंटीन पे। अल्लाह अल्लाह कर रहे थे हम भी के गाड़ी आ जाए। बुढ़िया आप सुबह कह रहे थे ना कि व्लॉग रिकॉर्ड करो। हाँ यार, हमारा रिकॉर्ड करो, मैं आज रिकॉर्ड हो रहा है, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो देखो ना किस्मत, देखो कि हम भी गाड़ी के इंतजार में और आप गाड़ी में। हाँ, हम भी आ गए, हम सुबह पूछ रहे थे, बस किस्मत में मिल गए। देखो ना, तो चलिए गाइस, ये हम कॉलोनी से भी हमें थोड़ा आगे जो है ना गाड़ी मिला है कुंडी का, तो बैठा हुआ है फ्रंट सीट पे, पता नहीं इसने हमें कहाँ से देख लिया और आकर इसने हमें रीच कर लिया। तो अभी आगे जाकर हमने कैंटीन में उतरना है और सामान लेना है। तो चलिए मिलते हैं कैंटीन में। गाइस तो फाइनली हम जो है ना यहाँ पे आकर पहुँच गए अपनी कैंटीन में। तो ये पीछे हमारा कैंटीन है सारा जो आप लोग देख रहे हो। तो ये हमारा गोश्त बनाओ कासिम, तुम क्या कर रहे हो? जी जी, आपको क्या चाहिए? हमें गोश्त चाहिए, मुर्गी फार्मी। जी जी, आपको देते हैं से अभी थोड़ा कम में हम आपको ये मुर्गी ज़बा करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मुर्गी ले रहे हैं। नहीं ध्रुव, किधर घूमो यार, आपका नंबर लगा रहे हैं, आपका नंबर नहीं लग रहा, क्यों बंद है नंबर? नंबर बंद करो, ऐसे बिजनेस होगा तुम्हारा? सो गया था यार, अभी उठा। कैसे चल रहा है मुर्गी? मुर्गी हाँ, आधा किलो करो। आपको लरान चाहिए या? हमें लरान चाहिए, नहीं रान चाहिए। पटानू कैसे ही दबान होते हैं, लरान चाहिए। क्या है तुम्हें, छोड़ो दुरु है गोश्त और नहीं। तो गाइस लरान दे दुरु, कुछ क्या है नहीं, तुमने रान को लरान बोल रहा है। तो गाइस अभी जो है ना हम गोश्त लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से जो है ना वापस जाएंगे, क्योंकि सब्जी पता नहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। दुरु के पास आए गोश्त लेने के लिए, पहले दुरु से गोश्त लेते हैं, गोश्त का बोला हुआ कुछ गोश्त है कुछ बात मेरे वहाँ से लेकर आएगा, तो फिर यहाँ से आगे थी। फाइनली अपना बाहर वाले कैंटीन से होकर अंदर आया, अभी प्यास लगा इसको, जहाँ कहाँ पे प्यास लगता है पता नहीं क्यों, कौन सा डो भो लगा हुआ, ठंडा है पानी क्या करें, जाओ उधर सामान ले लो। क्या फ्रूट में क्या है? फ्रूट में ये खट्टा मीठा आलू बुखारा। मसाला दे दो, गोश्त लिया है हमने, गोश्त जबरदस्त है, फैंटास्टिक आलू बुखारा, फैंटास्टिक। नहीं इसका वो कौन है,
मास्टर माइंड मैं मेरे साथ मैं ये एक और दिन हल्दी भी देना अद्धा भी नहीं है हल्दी के बगैर मज़ा नहीं करेगा दो बस सही है दही देना है दही निकाल के लाओ छोटा वाला कहाँ दही किधर रखा है आ जाओ आइसक्रीम वाला है तो गाइस अभी यहाँ पे कुछ सामान लेते हैं सामान लेने के बाद हम जाएंगे अपने रूम की तरफ तो आज की व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शुक्रिया वसलाम